नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में पूजा। एक तरफ जहां सोने चांदी के दाम सातवें आसमान पर हैं, लोग इन कीमती धातुओं को सहेज कर रखते हैं, लेकिन एक ऐसी भी जगह है जहां सोना चांदी नालियों में बहता है। सोनारों की गलियों में बनी नालियों में सुबह से ही कीचड़ से सोना निकालने वाले कारीगर बैठ जाते हैं और नालियों से सोना चांदी तलाश करते हैं। पिछले कई पुश्तों से ये परिवार इसी तरह से नालियों में से सोना चांदी ढूंढता है और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जिस गंदी नाली के बगल में गुजरने से लोग नाक भौंसों करते हैं, उन्हीं नालियों से मध्य प्रदेश में रीवा के कारीगर सोना निकालने का काम कर रहे हैं। रीवा के फोर्ट रोड पे सराफा बाजार है, यहाँ पर सोने चांदी का काम होता है। आभूषणों की सफाई या नए गहने बनाते वक्त सोने के छोटे छोटे कण दुकान की फर्श पर जा गिरते हैं। दुकान की सफाई करते वक्त ये पानी के साथ नाली में गिर जाते हैं। जहां नाली की ढक्कन खत्म होती है, वहां ये स्वर्ण कण जाकर जम जाते हैं। महाराष्ट्र के रहने वाले ये कारीगर सुबह सुबह चलनी, झाड़ू, ब्रश और परात लेकर यहाँ से नाली की पूरी गंदगी बोरियों में भरकर अपने ठिकाने ले जाते हैं और एक विशेष प्रकार के छन्नी नुमा बर्तन में रखकर पहले सामान्य पानी, फिर चूने के पानी से धोते हैं। कीचड़ के बीच में सोने के कणों की पहचान करना बहुत मुश्किल काम है, मगर कई पुश्तों से ये यही काम कर रहे हैं, इसलिए इनकी पहचान ये आसानी से कर लेते हैं। गंदगी से सोना चांदी निकालना एक विशेष कारीगरी है। इसके लिए काफी धैर्य, संयम तथा विशेष प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है। गंदगी से निकाला सोना चांदी से ये सामान्यतः यही बेच देते हैं और उनसे मिलने वाले पैसों से ही ये अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि सोनारों का सोना चांदी नालियों में गिर गया, उसमें भी इनकी मदद ली जाती है, जिसके बाद इन्हें कुछ पैसे मिल जाते हैं। इस काम को करने वाले ये सभी कारीगर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और ये इनका पुश्तैनी काम है जिसको ये आज भी कर रहे हैं। भले ही अब इसमें वो कमाई नहीं है, लेकिन दूसरा कोई रोजगार नहीं होने के चलते ये परिवार इसी काम को करके अपना जीवन चला रहा है। हम लोग महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, यहाँ पर 50-60 साल हो गए रीवा में रहते हुए, बड़ीपुर गोबर मोहल्ला में। और यहाँ पर हमारा काम जैसे पुरखों से चला आ रहा है, उसी तरह हम लोग अभी भी कर रहे काम। और जैसे नाली, नर्दा जो भी हो या आंगन हो, सुनारों का बटोरते हैं, उसमें से जो भी कण मिलता है उसको इकट्ठा करते हैं महीना में, उसको गला के फिर दुकान में बेचते हैं। कितने का व्यापार कर लेते हैं आप? व्यापार वही 4,000-4,500 तक। क्या क्या निकलता है नाली से? नाली से तो निकलता है पूरा 12 किस्म के धातु निकलते हैं, लोहा, लगता है, तांबा, पीतल, सोना, चांदी सब। लेकिन उसमें से हम लोग छापते क्या सोना और चांदी, सोना चांदी छापते हैं उसमें से, बाकी लोहा, तांबा, पीतल फेंक देते हैं। सरकार से कितनी अपेक्षा रखते हैं आप? नहीं, सरकार से तो हम लोग अभी तक कुछ बोले नहीं, ना मांगे नहीं, ना हमारे ना पुरखों ने मांगे, ना हम लोग मांगे। चल रहा है हमारा, जब तक चल रहा है चल रहा है, नहीं तो फिर बाद में फिर देखेंगे फिर आगे। आपको कितने साल हो गया काम करते? मेरे को तो कम से कम 8 साल का रहूँगा जब से मैं काम चालू किया हूँ, और आज मेरा है 55 साल का हूँ। बताइए कब से धंधा है आपका? हमारा कुछ तेरी से करके आ रहे हैं धंधा, महाराष्ट्र के हैं हम, वहाँ से आए हैं। और जो सोनी लोगों का दुकानों का है वो सोना चांदी अपना मिल जाता है। कितना निकाल लेते हैं? निकल जाता है अपना 200-300। क्या क्या निकलता है इसमें से? सोना चांदी, तांबा, पीतल,
इसी से पालन पोषण चलता है, इसी से पालन पोषण हो जाता है हमारा, गुजारा हो जाता है। कैसे आप लोग रीवा पहुँचे? बस ट्रेन से। नहीं, क्या क्या सोच के चले वहाँ से आप लोग? बस हो गया, दो पैसा कमाएंगे करके यहाँ आए हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार।